वेलकम टू सरस्वती क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि अपने इस चैनल पर एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है DSSSB PRT TGT और PGT के फर्स्ट पेपर के लिए, जिसमें से अपने साइकोलॉजी के दो वीडियो और मैथ का एक टेस्ट और इंग्लिश का एक टेस्ट बना चुके हैं। तो आज अपने हिंदी का टेस्ट स्टार्ट किया है। अगर आपको ये टेस्ट हिंदी का अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताइए, और चैनल को जो न्यू विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट कहता है कि मैं तुमको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो। क्या है कि मैं तुमको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त है। ये अपने को किसी लोकोक्ति, चारों लोकोक्तियों में से एक लोकोक्ति का मतलब उपयोग करके बताया गया है। अपने को बताने की निम्न में से कौन सी लोकोक्ति ऊपर वाले प्रयोग के लिए फिट बैठती है। जितने में मैं आपको आंसर देता हूँ आप उसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपका आंसर क्या है, और लास्ट में बता सकते हो कि आपके इन जो 15 या 16 क्वेश्चन हैं उनमें से आपके कितने नंबर बने। तो मैं तुमको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त है। आपने सुना होगा कि तुम सब एक थाली के चट्टे बट्टे हो। एक थाली के चट्टे बट्टे मतलब कैसे, एक जैसे हो। तो उसने कहा ना तुम सब एक जैसे हो, तुम सब एक थाली के चट्टे बट्टे हो। कई बार आपने फिल्मों में भी देखा होगा, कई सीरियल में देखा होगा, आम जिंदगी में देखा होगा, अपने मतलब लोकोक्ति बोलते हैं तुम सब एक थाली के चट्टे बट्टे हो। इट मीन्स तुम सब एक जैसे हो, तुम्हारा व्यवहार एक जैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि निम्न में से कौन सा मुहावरा है। ठीक है, इनमें से तीन तो लोकोक्तियाँ हैं और एक मुहावरा है। अब आपको पता होना चाहिए लोकोक्ति कौन सी है, मुहावरा कौन सा है। मैं आपको मुहावरा देखने का बताता हूँ कि मुहावरा कैसे फाइंड किया जाता है। 99% मुहावरा लास्ट में ना शब्द खत्म होता है। 99 मुहावरों में लास्ट में ना शब्द होता है, और या और 1% मुहावरों में ने शब्द होता है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे जिस शब्दों में ना आएगा लास्ट में वो अपना मुहावरा होगा, जैसे पहाड़ टूट पड़ना, चुल्लू भर पानी में डूबना, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। ठीक है, देखिए पहाड़ टूट पड़ना ना आया, चुल्लू भर पानी में डूबना ना आया, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना ना आया। ठीक है, इस प्रकार बाधा डालना ये भी ना आया। ठीक है, खुशियां मनाना, डंका बजाना ना आया, और 1% मुहावरों में नहीं आता है। जिस प्रकार लिखा है दूर के ढोल सुहावने होते हैं। ठीक है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, बाकी सब लोकोक्तियाँ हैं। जो गुड़ खाए जो कान छिदाए, तीन लोग से मथुरा न्यारी, ऊंची दुकान फीके भगवान। ये तीनों लोकोक्तियाँ हैं, और मुहावरा कौन सा है, दूर के ढोल सुहावने हैं। ठीक है, ये पटवार 2011 में क्वेश्चन आ चुका है, ये रीट 2011 में क्वेश्चन आ चुका है। तो ठीक है, जिनके पीछे ना या ने शब्द लगा है वो मुहावरे होते हैं 99%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि RPSC TGT में आया हुआ है। कहता है कि शय वर्ण वाले, ठीक है, शय वर्ण किसके योग से बना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है TGT में। तो अपने को पता होना चाहिए कि जो ये वर्ण है ये कै हलंत वाला और शय से बना हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार जो फोर्थ क्वेश्चन है कहता है कि गै ज्ञानी किन से बना हुआ है, तो ये जय और अनय खाली से बना हुआ है, जो चय चम्मच का अंतिम अनुस्वार होता है। ठीक है, जय और अनय। ठीक है, ये भी आ चुका है किसमें, SI में आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है कि अकैक में संधि कौन सी है। तो मैंने आपको एक संधि का पार्ट बना के दिया हुआ है, स्वर संधि पूरी, उसमें 5 संधियाँ होती हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, अयादि और यण। तो उसमें से मैंने आपको बताया था, तो एक गुण संधि होती है। ठीक है, गुण संधि में मैंने आपको बताया था जिसमें ये वाली मात्रा हो और ये वाली मात्रा हो, वो तो होती है गुण संधि। इसमें ये दो वाली मात्रा हो और ये दो मात्रा हो, वो होती है वृद्धि संधि। तो अकेक में देखिए दो मात्रा है। ठीक है, अकेक में दो मात्रा है, इट मीन्स एक मात्रा में वृद्धि होगी, तो इसमें क्या होगी, वृद्धि संधि होगी, जिसका होगा 1+1। ठीक है स्टूडेंट, ये होगा इसका संधि विच्छेद। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि पुष्प धनवा का 6 क्वेश्चन है। कहता है कि पुष्प धनवा का सही समास विग्रह है। तो पुष्प धनवा का सही समास विग्रह है, तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि पुष्प धनवा है क्या। तो पुष्प धनवा है स्टूडेंट कामदेव का पर्यायवाची। कामदेव के पर्यायवाची होती है मनोज, मनमथ, मनसिज,
रतिपति कामदेव पुष्पधनवा, ठीक है, मनोज पुष्पधनवा कामदेव मनमत मनसिज रतिपति, ठीक है, ये है कामदेव के पर्यायवाची। तो ये देखिए जो इसमें से थर्ड ऑप्शन है, वह पुष्प, वह जिसके पुष्पों का धनुष हो, वह जिसके पुष्पों का धनुष हो वो कहलाता है कामदेव। आपको पता होगा कामदेव किस के लिए फेमस है, तो ठीक है। एक आता है मनोज, ये इसका पर्यायवाची है, जिस शब्दों के अंत में, जिस शब्दों के, अब इसका आंसर क्या है, सी, वह जिसके पुष्पों का धनुष हो। तो आपको पता है कि कामदेव किसके लिए फेमस है, तो मनोज जो जय का अर्थ होता है जन्म लेने वाला, क्या होता है जन्म लेने वाला, मनो का होता है मन, जो मन में जन्म ले किसी मनुष्य के वो क्या कहलाता है कामदेव। उसी प्रकार जलज, जलज जय जन्म लेने वाला, जल जो जल में जन्म ले वो कौन होता है कमल, ठीक है। उसी प्रकार दय का अर्थ होता है देने वाला, आपने पढ़ा होगा वारिद, वारिद ये दय देने वाला, और वारी मिस पानी, जो हमें पानी देता है वो कौन होता है बादल, ठीक है। इस प्रकार अपने को याद रखने हैं, जैसे पंकज, पंकज जन्म लेने वाला, पंक मिस कीचड़, जो कीचड़ में जन्म लेता है वो कौन होता है कमल, ठीक है। इस प्रकार अपने को याद रखने हैं। पुष्प धनवा का क्या था, वह पुष्प, वह जिसके पुष्पों का धनुष हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट, आइए देख। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, सिक्स क्वेश्चन है, कहता है कि निम्न में से कौन सा समासिक पद नहीं है। ये दो बार क्वेश्चन आ चुका है, दोनों बार राजस्थान में पूछा गया किसी न किसी परीक्षा में, सेम टू सेम हूबहू ऑप्शन भी यही थे। तो कहता है कि निम्न में से कौन सा पद समासिक नहीं है, तो देखिए तिरंगा, अपने तिरंगा का निकालते हैं, तो तीन रंगों वाला अगर देखूं तो ये कर्मधारय बनता है। अगर इसको बहुवीर भी बना सकता हूं, बहुवीर का अर्थ क्या होता है कि तीसरा अर्थ निकले, तीन रंगों वाला, अगर उसके साथ ये जोड़ दूं कि भारत का झंडा, तो वो क्या बन जाएगा बहुवीर समास। अगर ये लिख दूं कि तीन रंगों वाला, ठीक है, वो हो जाएगा कौन सा कर्मधारय। तो एक होता है रंगमंच, रंग के लिए मंच, इट मीन्स रंग के लिए मंच, के लिए संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान किसके लिए था के लिए, ठीक है। उसके बाद यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार अव्ययी भाव, तो नहीं है कौन सा शारीरिक, शारीरिक का कोई समास नहीं होता। तो नेक्स्ट के लिए बढ़ते हैं, कहता है कि लोटा छत से गिरा में कौन सा, यहाँ आएगा समास नहीं आएगा स्टूडेंट, यहाँ कुछ और आएगा। तो आठवां क्वेश्चन है लोटा छत से गिरा, इसमें समास नहीं आएगा, यहाँ आएगा कारक, निम्न में से कौन सा कारक इस शब्द में है। कारक के आठ भेद होते हैं, आपको पता है कर्ता ने कर्म को करण के लिए संप्रदान का के कि ये वाला आपने पढ़ा होगा। तो लोटा छत से गिरा, इट मीन्स यहाँ लोटा है वो छत से गिरा है, तो छत से लोटा अलग हुआ है, जहाँ अलग होने का भाव होता है वहाँ हमेशा अपादन कारक होता है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, ठीक है, वो अलग हो गया, बच्चा छत से गिर गया, ठीक है, लोटा छत से गिरा, तो ठीक है यहाँ कौन सा होगा अपादन कारक, तो ऑप्शन होगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं, कहता है कि अन्वेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो ठीक है, अपने को पता है कि जब अपने अयादी संधि करते हैं, यन संधि करते हैं, तो वहाँ अपने को पता है कि वह किस में टूटता है, वह टूटता है ए प्लस ऊ में या ऊ प्लस ए में, और इसी प्रकार यह टूटता है ई प्लस ए में। तो यहाँ वह है, अगर वह को तोड़ूंगा तो क्या बनता है, वह को तोड़ूंगा ऊ प्लस ए में, तो अनु प्लस एशन, यहाँ कौन सा होगा उपसर्ग, कौन सा अनु होगा, कौन सा होगा अनु प्लस एशन, ठीक है। ये शब्द आपको आने चाहिए क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अब इतना तो टाइम है नहीं कि मैं आपको एक एक वर्ड समझाऊं, पूरा पूरा टॉपिक कराऊं, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत कम टाइम रह गया है, ना मेरे पास टाइम है कि मैं आपको पूरा समझा सकूं, ना आपके पास टाइम है कि आप पूरा समझ सकें। तो अपने क्वेश्चन आंसर से ज़्यादा समझेंगे तो अन्वेषण क्या होगा अनु प्लस एशन, जैसे व्याकरण में क्या था वी प्लस आ प्लस करण, यह जो टूटता है वो छोटी ई प्लस एम टूटता है, तो वी प्लस आ प्लस करण, ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कहता है कि पशु शब्द का विशेषण क्या है, पशु शब्द का विशेषण क्या है। तो एक तो है पाश्विक, एक पशुतव, एक पशुता और एक पशुपति, तो इसका होगा स्टूडेंट पाश्विक। अब शब्द बना के देख लीजिए, जचता है तो वह विशेषण होगा, देखिए अमन पाश्विक है, इट मीन्स पशु प्रवृत्ति का है, तो जच गया। अमन पशुतव है, ये नहीं जचा। अमन पशुता है, ये भी नहीं जचा। जो जचता है वो शब्द जचा के देख लीजिए, अगर आपको बनाना आता है विशेषण तो मच बेटर है, और शब्द से भी जचा सकते हैं, तो क्या होगा पाश्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कहता है कि कौन सा विकारी शब्द है। आपको पता होगा
दो प्रकार के शब्द होते हैं, विकारी और अविकारी। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए कौन सा विकारी शब्द है। जब अपने हिंदी ग्रामर स्टार्ट करते हैं तो शब्द विचार स्टार्ट करते हैं, दो प्रकार के आते हैं, एक तो विकारी, एक होते हैं अविकारी। ठीक है, विकारी वो होते हैं जैसे संज्ञा हो गई, सर्वनाम हो गई, विशेषण हो गई, क्रिया हो गई, इट मीन्स जिसके लिंग वचन में आवश्यकता अनुसार चेंज किया जा सकता है वो होते हैं विकारी। और अविकारी होते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, स्थान बोधक, जिनमें चेंज नहीं किया जा सकता। तो उसने पूछा है कि कौन सा विकारी है, तो मैंने आपको विकारी बताया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, तो इसमें कौन सा है विशेषण। तो ये तीनों होंगे, ये अविकारी होंगे, इनमें लिंग परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि निषिद्ध शब्द का विलोम है, निषिद्ध शब्द का विलोम है, तो इसका आंसर है विहित। ये आपको याद होने चाहिए विलोम शब्द, तो कम से कम 200-300 विलोम शब्द तो आपको याद होने चाहिए। तो मैं अपने फेसबुक पेज पर जो इम्पोर्टेंट 200-300 वर्ड हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं लगातार कंटिन्यू, उनका पिक मैं फेसबुक पेज पर डाल दूंगा, आप वहां से कलेक्ट कर सकते हो ताकि आपको हेल्प हो जाए। ठीक है, तो आगे देखते हैं स्टूडेंट। कहते हैं कि पाश्चात्य का विलोमार्थमक शब्द है, तो पाश्चात्य का विलोमार्थमक शब्द है, तो ये तो बहुत बार पूछा गया स्टूडेंट, ये तो पौर्वात्य, ये कई बार शब्द श्रुति में भी पूछा गया है। ठीक है, शब्द श्रुति में वो ये दे देता है अशुद्ध शब्द और अपने को इसको टिक करके आते हैं, तो पाश्चात्य का होगा पौर्वात्य। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 14, कहता है कि संध्या और रात्रि के बीच का समय, मतलब शाम और रात्रि के बीच का समय प्रदोष या पूर्वरात्र कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रदोष या पूर्वरात्र कहलाता है। अब कहता है कि जो 15 और 16 क्वेश्चन है ये शब्द शुद्धि से रिलेटेड है और वाक्य शुद्धि से, तो ये वाले तो क्या स्टूडेंट, ये अशुद्ध शब्द हैं और ये शुद्ध शब्द हैं। ये मैंने चार छांट के दिए हैं आपको जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अत्यधिक नहीं होता, अत्यधिक नहीं होता, अत्यधिक होता है। ठीक है स्टूडेंट, अनेक को नहीं होता, अनेक होता है, ये लास्ट ईयर डी टी प्लस में मिस्टेक भी पूछी गई है। तो अनेक को नहीं होता, अनेक होता है। अधिग्रहित, ये वाला रह यहाँ मिस्टेक दे देता है और वो ये वाला रह आता है वहाँ पे। ठीक है, और चौथा क्या है? अधवस्त्र, तो वो होता है अधोवस्त्र। ठीक है, इस प्रकार ये शब्द गलत है, ये अधिग्रहित भी गलत है, ये अनेक को अनेक आएगा, अत्यधिक नहीं अत्यधिक आएगा, अधिग्रहित में यहाँ मिस्टेक है, ये वाला लगता है, और अधवस्त्र में ये विसर्ग नहीं आएगा, ओ की मात्रा आएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं जो वाक्य शुद्धि में स्टूडेंट, तो वाक्य शुद्धि में है। कहता है कि निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, ये तीन अशुद्ध दे रखे हैं और एक शुद्ध छांटना है अपने को। तो उसने हमारी नाक में दम कर दिया। ठीक है, देखिए उसने हमारी नाक में, हमारी नहीं नाक होती, हमारे नाक में, तो यहाँ क्या आएगा? हमारे नाक में, ये तो गलत हो गया। रविवार के दिन, तो सभी जगह अवकाश होता है, रविवार को सभी जगह अवकाश होता है, के दिन नहीं आएगा, यहाँ मिस्टेक है, के दिन ओवरफ्लो किया है, रविवार तो सभी जगह अवकाश होता है। उसके बाद है चौथा, यह बालक जन्मते ही मर गया, जन्मते ही मर गया, जन्म लेते ही मर गया, ये भी गलत है। उसके बाद दही खट्टी हो गई थी, दही खट्टी हो गई, कई लोग इसको सही कर देते हैं, खट्टी नहीं होती, दही खट्टा हो गया, दही खट्टा हो गया। ठीक है, यहाँ लगता है मैंने मिस्टेक कर दी, सारे ही मैंने वर्ड यहाँ कौन से दे दिए, अशुद्ध वर्ड दे दिए, तो यहाँ दही खट्टा आएगा स्टूडेंट। ठीक है, दही खट्टा हो गया, ये शुद्ध शब्द है। ठीक है, कई बार मिस्टेक दी थी, दही खट्टी हो गई, अपने को वो नहीं टिक करना, ये करना है दही खट्टा हो गया। ये तीनों क्या हैं? ये तीनों अशुद्ध शब्द हैं, यहाँ दही खट्टा हो गया। ठीक है, दही खट्टा हो गया, चारों ही मैंने अशुद्ध शब्द दे दिए थे, एक शुद्ध शब्द देना भूल गया था। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।